इस लेसन में हम प्रथम कोटि के ऐसे समीकरणों को पढ़ेंगे, अवकल समीकरणों को, वो प्रथम कोटि के तो है लेकिन उच्च घात के, उन्हें हम या तो पी के लिए सॉल्व करके हल करेंगे या वाई के लिए या एक्स के लिए हल करके, और एक विशेष फॉर्म क्लेरो फॉर्म को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पी के लिए हल कैसे करेंगे। जैसे आपके लिए अवकल समीकरण दे रखा है, यहाँ पी वास्तव में क्या है, स्मॉल पी है वो आपका डी वाई डी एक्स है, बाई का एक्स सापेक्ष प्रथम अवकलज है, उसके कितनी घात है वो दो हो सकती है, तीन चार जितनी, पी का मतलब डी वाई डी एक्स है, तो आपका ये समीकरण दे रखा है, इसे हम पी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। पी में दो का समीकरण है तो हमने ये श्री द्राचार सूत्र से हल किया ये, तो आपका ये आ गया पी बराबर माइनस बाई कोष्टक में कोट एक्स प्लस माइनस कोसेक एक्स। अगर यहाँ देखो प्लस चिन्ह ले सकते हैं और माइनस चिन्ह ले सकते हैं, तो प्लस लिया हमने पहले, तो प्लस के बाद तो ये आ गया आपका कॉट और कोसेक की जगह हमने लिखा कॉस बटे साइन, कॉट ही है और कोसेक की जगह लिखा हमने 1/sin, माइनस चिन्ह लेने पर इसमें भी लिखा, और फिर हमने 1 - cos की जगह लिख लिया आपका। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, जैसे हम माइनस कॉमन ले लें तो 1 - cos बन जाएगा, फिर 1 - cos की जगह जो बनाओगे आप वो आपका sin x/2, और 1 + cos आपका आएगा 2 sin² x/2, मतलब यहाँ भी स्क्वायर आएगा, लेकिन नीचे भी हम साइन का फॉर्मूला लगा के खोलते हैं तो आप ये अंत में ये बच जाएंगे cos x/2 / sin x/2, और इधर ये बच जाएगा। वेरिएबल को सेपरेबल, वेरिएबल सेपरे अलग करोगे, सेपरेबल करो तो आपका ये वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद आपको बन जाएगा ये log(y) = -2। ये क्यों आया 2 आपका, क्योंकि आप sin x/2 का अवकलज ऊपर cos x/2 है, तो आप भी देखो इसका अवकलज ऊपर तो log बन जाएगा समाकलन, और x/2 है तो गुणांक का भाग लगेगा 2 का, 2 आ जाएगा, ऐसे यहाँ 2 आ जाएगा प्लस log c, तो y बराबर आपका ये आ गया। अब देखो ये माइनस में है तो सी के बट्टे में लॉग जब हम हटाएंगे, एक लॉग बनाए तो सी के बट्टे में साइन आएगा, तो कोसेक बन जाएगा c cosec² x/2, और ये c sec² x/2 इसको हल करना है। अब देखो इसको हल करने के लिए यहाँ पी यार 2 है नहीं तो 3 है, तो आप पहले तो जैसे समीकरण हल करते हैं हम किसी m में या x में जब समीकरण होता है तो हम क्या करते हैं, x ये है 0 1 2 3 रख के देखते हैं, जिससे जो हल होता है, जिससे हेलो जो भी उसका मूल होता है उस मूल के थ्रू हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो अब जब आप पी जब 1 - 1 ऐसे रखोगे, देखो 0 रखने से 0 हो रहा, तो आपको पी और p+1 ऐसे खंड है, तो पी और p+1 से गुणा करके हम आया आपका p² + p, उसका भाग देंगे इसमें, तो आपका ये बन जाएगा px + 2py + 2x + y, तो इन्हें हम ऐसे लिख लेंगे। अब हल ज्ञात करने के लिए हम तीनों को अलग अलग 0 कर लें, पी को 0, p+1 = 0, और px + 2py + 2x + 2y = 0। अब देखो p = 0 dy/dx = 0, तो dy = 0 आ गया, y बराबर आपका अचर c आ गया है, ऐसे p+1 = 0 तो dy/dx + 1 = 0, तो x + y = आपका c आ जाएगा। इधर ऐसे ही आपने p की जगह क्या लिखा, dy/dx लिख लेंगे, पहले तो आपने p कॉमन निकाले यहाँ से, और ये 2x + y या 2x + यहाँ x + 2y आ जाएगा, डीवाई डी एक्स लिखा पी की जगह, तो डीएक्स को हमने वेरिएबल सेपरेबल कर लिया इसी तरह से, मतलब आपने डीवाई डी एक्स को अलग कर लिया, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं, और इसमें लिखा है हमने कैसे x dy + y dx, और ये 2y dx को 2y dy को अलग लिखा, और +2x dx को लिखा, आपको आएगा xy + y² + x² c, अतः ये व्यापक हल जो है आपका ये आ जाएगा y - c y + x - c x y + x² + y² - c = 0। देखो तो ये तीनों हलों को हमने मिला दिया, y - c x + y - c x y + y² + x² - c = 0। अब y के लिए साधन ही है, मतलब y के लिए सॉल्वेबल समीकरण कैसे होगा, देखो y बराबर आपने ऐसे फंक्शन ऑफ x और p, यानी y बराबर आपके x और p के पद बनने चाहिए, तो आपका y के लिए सॉल्वेबल है, तब हम इसे y के लिए कर सकते हैं। इसके सवाल देखने देखो जैसे ये है, अब इसमें x भी आपका एक घात का है और y भी एक घात का है, तो आप दोनों के लिए हल कर सकते हो, लेकिन हम इसे y के लिए हल करते हैं, तो y बराबर आपका है, ये देखो ये x बदल जाएगा, तो x p² + x आएगा, और फिर हम p से भाग दे देंगे, तो y 2p से भाग देंगे, तो 1/2, और आपको इधर आ जाएगा xp + x / p। अवकलन करने के बाद आपको बनेगा dy/dx = ½
प्लस एक्स डी डीएक्स, एक्स पी है तो एक्स पी एक्स हिसाब से अवकलन करेंगे तो एक्स पी को चर रखा, एक्स का ये एक एक्स को चर रखा और डी पी डी एक्स प्लस ऐसे एक्स बटे पी का आपने अंश बटे हर की सहायता से किया। अब फिर हमने इस दो का इधर गुणा कर लिया, डी बाई डी एक्स से पी रख लिया तो टू पी बराबर पी और ये आपका ऐसे आ गया। पी को तो ले आए तो पी माइनस देखो एक पी बचे ही और ए बटे पी को इधर ले आए तो पी माइनस ए बटा पी और डी पी बटे डी एक्स वाले पदों को इकट्ठा किया एक दोनों को तो एक्स डी पी डी एक्स कॉमन लेके आपको बचाएगा 1 माइनस ए बटे पी स्क्वायर। इसमें से हम हर में पी कॉमन ले लेंगे तो एक्स बटा पी डी पी डी एक्स रहेगा और ये बन जाएगा पी माइनस ए बटा पी जो इस तरह है तो ये कट जाएंगे आपको ये आ जाएगा डी पी बटे पी बराबर एक्स बटे पी। समाकलन करने के बाद आपको निकल लॉग पी बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग सी, लॉग को हटाने पर पी बराबर सी एक्स और पी का मान ये आपको सी एक्स रखना है फर्स्ट सेकंड में तो फर्स्ट समीकरण आपका दे रखा फर्स्ट समीकरण ये हट जाएगा इससे आपको पी जगह क्या रख दोगे आप सी एक्स तो ये रखने के बाद आपको हल प्राप्त हो जाएगा पी मतलब हट जाएगा उसमें से। एक्स के लिए साधनी मतलब एक्स के लिए होगा तो उसमें फंक्शन ऑफ किसका बनेगा इधर राइट साइड में राइट हैंड साइड में बाय और पी का इसे आप एक्स के लिए सॉल्यूबल कह सकते हैं जैसा वो सवाल ये है। अब इसे बाई दो जगह आया था ये सॉल्यूबल किसके लिए एक्स के लिए तो एक्स आपको एक जगह आया एक घात का आया है तो आप 2x बराबर ऐसे लिख लेंगे दो का भाग दे लेंगे दो का भाग नहीं दें तो डायरेक्ट ही आप आकलन करेंगे लेकिन बाई के सापेक्ष तो आपको बनेगा डीएक्स बटे डी वाई तो पी आपका पी बनेगा एक बटे पी तो पी हम किसे कहते हैं डी वाई डी एक्स कहते हैं तो हमारा बन डीएक्स बटे डी वाई रहा है तो 2 बटे पी आ जाएगा। बाई बटे पी को हम करेंगे तो बाई को अगर आप अचर रखते हैं तो माइनस एक बटे पी स्क्वायर डी पी डी एफ बाई आएगा और जब हमने पी को अचर रखा यानी एक बटे पी को बाई का एक हो जाएगा एक पे एक बटे पी माइनस सी आ गया और ऐसे बाई स्क्वायर डी बाई पी स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 बाई स्क्वायर पी डी बाई और बाई आ जाएगा पी स्क्वायर को अचर रखेगा तो 2 बाई आ जाएगा। एक बटे पी को इधर लाएंगे तो 2 बटे पी में से एक बटे पी हट जाए तो एक बटे पी प्लस ये देखो ये दोनों जो है ये पद ये 2p स्क्वायर बाई को हम इधर ले गए 1 बटे पी के पास तो इधर प्लस में हो गया और ये डी पी बटे डी वाई वाले हमने पद घट के इनको भी लेफ्ट में लिया तो इधर बाई बटे पी डी पी डी वाई और यहाँ क्वेश्चन बचेगा 1 अपॉन p प्लस 2 बाई p स्क्वायर और क्वेश्चन 1 बराबर 0। अब ये 1 बटे p 2p स्क्वायर बाई ये आपके दोनों सेम है खंड तो खंड हम कर लेंगे 1 बटे पी ये आप खंड आ जाएंगे प्लस नहीं है गलत है ये प्लस को हटा लेंगे ये गुणा है यहाँ बीच में तो 1 प्लस बाई बटे पी डी पी आ गया 1 प्लस बाई बटे पी डी पी डी बाई बराबर 0 डी पी के बटे पी प्लस बाई डी पी बाई बटे बाई बराबर 0 लॉग पी प्लस लॉग बाई बराबर लॉग सी पी बाई बराबर आपका गया है सी तो पी बराबर आपका सी बटे बाई ये आपका इस मान को हम कहाँ फर्स्ट में रख लेंगे तो बनेगा बाई बराबर 2 सी बटा बाई एक्स प्लस बाई स्क्वायर सी क्यूब बटे बाई क्यूब तो बाई स्क्वायर आप बराबर आ गया 2 सी एक्स प्लस सी क्यूब। ठीक है अब इसके बाद आपको हम क्लारेट समीकरण बताएं ये बहुत मतलब ज्यादा आने वाले सवाल है। क्लारेट की फॉर्म क्या होती है आपका कोई सवाल इस तरह का है बाई बराबर एक्स पी या पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी इस तरह का कोई सवाल है तो आपको क्लारेट का समीकरण कह लाता है। इसका हल पी को किसी भी स्वच्छ अचर से मतलब पी को हटा के सी रख दो आप कोई भी अचर रख दो वाले सी के जो भी अचर हो तो आपका हल प्राप्त हो जाएगा। अब केवल कितना करना है अगर बाई बराबर एक्स पी प्लस फंक्शन ऑफ पी की फॉर्म में अगर कोई सवाल है तो क्लैरिटी की फॉर्म है और क्लैरिटी फॉर्म आप पी की जगह क्या रख दो सी रख दो जैसे सवाल दे रखा है तो ये अभी क्लैरिटी फॉर्म नहीं है लेकिन अगर हम इधर से टेन को इधर ले आए टेन इनवर्स पी तो पी एक्स माइनस बाई बराबर टेन इनवर्स पी तो बाई बराबर पी एक्स माइनस टेन इनवर्स पी हल हो जाएगा सी एक्स माइनस टेन इनवर्स सी। ये सवाल है इसमें देखो आप हमें क्या चाहिए क्लैरिटी फॉर्म बनानी है तो बाई देखो बाई पी और बाई तो हम ये जाएगा बाई 1 प्लस पी इसको राइट हैंड साइड में या लेफ्ट में लिया लेफ्ट में तो है ही इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो हम राइट हैंड वाला पद लेफ्ट में लिख दिया तो बाई 1 प्लस पी आ गया। इधर जो आपका क्या एक्स पी ये आप एक्स पी स्क्वायर और ये एक्स पी बन गया तो एक्स पी पी एक्स कॉमन ले लिया 1 प्लस पी बन गया और माइनस ए पी स्क्वायर 1 प्लस पी से भाग देते तो बाई बड़ा बर पी एक्स माइनस ए पी स्क्वायर बटा बर प्लस पी हल क्या हो जाएगा पी जैसे ही रख देंगे बाई बराबर सी एक्स माइनस ए सी स्क्वायर बटा 1 प्लस सी। अब देखो क्लैरिटी की फॉर्म कई बार बन जाती है कई बार नहीं बन पाती तो अब जैसे आप कोई सवाल है उसमें क्लैरिटी की फॉर्म नहीं बनी
डायरेक्ट नहीं बन रही, तो आप उसमें कुछ प्रतिस्थापन कर सकती हो। जैसे आपको एक्स स्क्वायर बराबर यू और वाई स्क्वायर बराबर बी का प्रयोग करते हैं इस समीकरण में, ये नीचे जो दे रखा है, तो आपका ये क्लैरिटी फॉर्म बन जाएगा। ये आपको दे रखा है स्पेशली उसमें कि ये करो। कैसे बनाओगे आप, क्या करोगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पहले इन दोनों का अवकलन कर दो, दिए हुए हैं, तो टू एक्स डी एक्स बराबर डी यू और टू वाई डी वाई बराबर डी वी, तो हम भाग देंगे ना इसमें, तो आपको बनेगा वाई डी वाई बटे एक्स डी एक्स बराबर डी वी बटे डी यू। डी बटे डी यू को हम करें कैपिटल पी, और इधर बनेगा डी बटे डी एक्स पी, और वाई बटे जो एक्स है, वाई बटे एक्स ये हम क्या रखेंगे, ये बी और यू, ठीक है ना, बी और यू। तो आप स्मॉल पी की तरफ बनेगा अंडर रूट वी अपॉन यू, तो हम इधर कैपिटल पी की तरफ से ले जाएंगे, स्मॉल पी को हम प्रतिस्थापित करेंगे, तो आप आएगा अंडर रूट यू बटा वी कैपिटल पी। तो ये स्मॉल पी है, उसे सभी सवाल जो सवाल दे रखा है उसमें, इस सवाल में पूरे में रखो। देखो ए एक्स और वाई जगह अंडर रूट ए बी यू भी आ गया, पी स्क्वायर की जगह आपका क्या आएगा, पी स्क्वायर की जगह पी आएगा आपका, तो अंडर रूट यू बी वो यू ये होगा अपन बी, और पी का स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल पी का, प्लस ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर यू है माइनस ये बी बन जाएगा, और ये बी अंडर रूट यू बटा बी पी आ जाएगा आपका पी स्मॉल पी की जगह, ये कैपिटल पी है, माइनस अंडर रूट यू पी एक्स वाई की जगह आ गया। नीचे जो बनेगा आपका अंडर रूट बी सभी जगह से कॉमन बन जाएगा, और ऊपर से जो है आपका अंडर रूट यू बन जाएगा, तो आपका अंडर ऊपर से अंडर रूट यू कट जाएगा, तो यहाँ बनेगा ए यू पी स्क्वायर, और नीचे से अंडर रूट बी हट के यहाँ बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ माइनस वी बन जाएगी, तो यू माइनस ए बी माइनस बी। लेकिन ये अभी भी क्लैरिटी फॉर्म नहीं था, क्या करोगे, वी जो हमारे एक तरह से बाई की तरह रहेगा, जैसे हम क्लैरिटी फॉर्म में, तो ए यू पी स्क्वायर प्लस यू पी, ये जो है आपका यू पी है, और ए यू पी स्क्वायर बराबर ये आपका इधर जो वी वाले हैं, ये ए वी और आपका ये वी, तो ये आपका आ गया ए पी प्लस वन और बी वी कॉमन, लेफ्ट में ये माइनस बी पी रहेगा, ये यू पी स्क्वायर ए पी, इनमें दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, यू पी, या पी जो हम कैपिटल ले रहे हैं, तो आप क्वेश्चन बनेगा ए पी प्लस वन माइनस बी पी, और इधर बनेगा ए पी प्लस वन वी कॉमन, तो ए पी प्लस वन से भाग दे देंगे, तो बी बराबर बनेगा यू पी माइनस बी पी बटा वन प्लस ए पी, तो वी बराबर आपका यू सी माइनस बी सी बटा वन प्लस ए सी। अब आपको ये हल हो गया, क्यों हो गया, तो कोई पी को हमने इसी से प्रतिस्थापित कर दिया क्लैरिटी फॉर्म, तो क्लैरिटी फॉर्म हमने जो वी की जगह सी रख दिया। इसके बाद जो है आपका एक्स जो हमारे वी और यू थे, वी हमारा क्या वास्तव में वाई स्क्वायर है, और यू जो हमारा एक्स स्क्वायर है। इस तरह से आप जो है क्लैरिटी फॉर्म वाले सभी सवालों को कर सकते हो, जितने भी सॉल्वेबल है पी के लिए एक्स के लिए वाई के लिए, आप उन्हें सबसे पहले ये देख लें किसके लिए सॉल्वेबल है, और इसके हिसाब से आप कर लें। इन चार तरीकों में से ही कोई सवाल एक तरीके से होगा, या तो एक्स और वाई और पी के लिए सॉल्व कर लो, या फिर वो क्लैरिटी की फॉर्म का है सॉल्व, अगर एक्स वाई नहीं तो आपका एक्स वाई पी के लिए सॉल्वेबल नहीं होगा, तो क्लैरिटी फॉर्म में बन सकता है, या क्लैरिटी फॉर्म बनाने के लिए भी स्पेशल हो सकता है कि आप ये प्रतिस्थापन करके कर सकते हैं। तो इससे सवालों को आप करें।